गाइस आदाब नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। और भाई नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ और एक और नया व्लॉग। सो गाइस अब बारी है हमारी दिल्ली के लिए वापस जाने की उज्जैन से। तो दर्शन सारे हो चुके हैं, उज्जैन का व्लॉग आप देख चुके हैं और अब बारी है अपनी लाडो को निकालने की पार्किंग से। तो भाई पार्किंग में आ गया तुम्हारा भाई और भाई खड़े हुए हैं अपना। अभी ये पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं वापस अपना दिल्ली, जो है तकरीबन 800 किलोमीटर की राइड। सेम टाइम उतना ही लगेगा जितना टाइम आने में लगा था मैं, उतना टाइम घर जाने में लगेगा। तो आप चल रहे हैं यहाँ से उज्जैन से सीधा दिल्ली अपना घर और पूरा इंजॉयमेंट कराऊंगा आपको। तो गाइज अभी इधर जगह है ऐसी, पीछे लाना पहले जैसे है ना, बिल्कुल काटना मत। तो भाई गाड़ी अब पीछे निकाल रहे हैं क्योंकि निकल तो उधर से जाएगी और शटर खोलना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं इधर से आए थे तो इधर से निकल जाएंगे मेन रोड से। सो ले आओ, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ेगी, थोड़े कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं भाई इसको, इंजन थोड़ा गर्म हो जाए देन निकालते हैं। फिर बारी है गाड़ी को निकालने की बाहर और फिर चलेंगे सीधा, क्योंकि बड़ी गाड़ी है ना तो भाई इसलिए देखना पड़ता है। देख रहे हो खाली लाइट, लाइट कितनी सेक्सी लग रही है गाड़ी, ब्लैक बीस्ट। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ गई है बाहर। और अपनी बारी है भाई उज्जैन को टाटा बाय बाय बोलने की और फिर। सो गाइस चल रहे हैं अब, और भाई जो राइड हमने परसों शुरू करी थी फ्राइडे को शुरू करी थी, अब वापस चलने का टाइम है क्योंकि ऊपर देख रहे हो सर पे लगा हुआ महाकाल का निशान। सो गाइस देख लो आप, फाइनली लास्ट टाइम उज्जैन की गलियों को बाय बाय बोल रहे हैं। देख सकते हो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और लगता है बारिश होगी जरूर। तो गाइस वही है, बारिश का मौसम बन रहा है यहाँ पे एमपी में क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी भी कम आई है इस वजह से। देख सकते हो हल्की सी टी शर्ट में बैठा हुआ हूँ मैं पे इस वजह से, तो बादल छाए हुए हैं, हो सकता है बारिश भी हो जाए। देख रहे हो सूरज कैसा दिख रहा है। सो लेट्स गो, यहाँ पे आके मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लोग कराते हैं ब्लैक टेंट और तरीके की टेंट कराते होंगे, लेकिन आपने ऐसा टेंट देखा है कहीं, येल्लो टेंट भाई पहली बार देखा मैंने तो। देखो देख रहे हो भाई साहब येल्लो कलर में टेंट करवा रखा किसी भाई ने। तो अभी चल रहे हैं यहाँ पे मंदिर। गाइस देखना सामने हमारे एक बस है, इसका शायद एक्सल टूट गया भाई, एक्सल टूट गया इसका भाई साहब, ऐसे ही होता है भाई चलते चलते में हैवी लोड होगा इसका बस और क्या एक्सल गया। और एस्प्रेसो वाले को देखा मूत्र बोला बोला उधर हो रहा, लेके आ रहा फटाफट भागा हुआ आगे से। भैया कम से कम देख तो लो मोड़ पे, कम से कम चलो ऐसा ला रहा था हवाई जहाज उड़ा रहा है, वही तो टेक ऑफ कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा यहीं से। तो गाइस अभी है एमपी में ही, और एमपी में रोड भाई बड़े मस्त है, एमपी गजब है और एमपी के रोड भी बड़े जबरदस्त है। देख रहे हो कितने साफ रोड है, लेकिन यहाँ के ड्राइवर बड़े पागल है भाई, जितनी भी देखे हमने एमपी की नंबर प्लेट वाले चलो अपनी साइड छोड़ के हमारी साइड चला रहे हैं। आपने तो एक दो क्लिप भी देख ली होगी जो म्यूजिक में डाली थी मैंने, तो ऐसे ही भाई अब वापस जा रहे हैं घर की तरफ। रात के 3-4 या 5 भी बज सकते हैं, पूरे 17 घंटे का सफर है, ढाई बज चुका है, 13 घंटे तो दिखा रहा है और 3-4 घंटे और, तो वही 15-16 घंटे का सफर है भाई अभी भी। सो गाइज लेट्स गो और एंजॉय करते रहो पूरी ट्रिप को भाई। रोड रोड मस्त है, नजारे ऐसे आ रहे हैं ना ब्राउन ब्राउन कलर के, मिट्टी ब्राउनिश है, कहीं ग्रीन आ रहा है, कहीं हरा आ रहा है, कहीं सूखा है एकदम। देख रहा हरा हो गया, इससे पीछे हल्का हल्का ब्राउन कलर की मिट्टी थी, तो वही है ना अब ये देखो छीक रहे हो, ठंड लग गई है भाई लोगों को। गाइस सो गाइस देख लो पहुंच चुके हैं दोबारा उसी पॉइंट पे, ये देखो कितने बड़े बड़े विंड मिल्स लगे हुए यहाँ पे भाई साहब, चेक करो भाई, या तो इनसे बिजलियां बनती होंगी या फिर कुछ और होगा, इनका मतलब तो नहीं पता, लेकिन है ना बहुत सारी है। ये देखो रोड के दूसरी साइड भी है, लेफ्ट राइट दोनों जगह पे है, देख रहे हो
ये चीज चेक करो भाई, इधर देखो कितनी सारी लगी हुई है, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, अरे भाई साहब बहुत सारी, अरे इतनी सारी है भाई की आप देखोगे ना, मतलब यहाँ पे कुछ अलग सा ऐसा लगता है भाई फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। एक तो हाईवे इतना अच्छा है और ऊपर से यहाँ पे देख चेक करो कितने सारे हैं भाई, देख रहे हो अब आया पूरा वाइड एंगल में सारे, ये देखो कितने सारी हैं भाई साहब। सो गाइस ये वही पॉइंट है, यहाँ पे हम पहुंच चुके थे, दिन जब मैं आया था जब उसमें सूरज निकल रहा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा बादल बादल है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा व्यू क्लियर नहीं है, बट अच्छा लग रहा है चारों तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है भाई। देख रहे हो कितनी सारी लगी हुई है, वो बहुत ऊंची है भाई ये, कल तो बहुत कम चल रही थी लेकिन आज तो बहुत सारी चल रही है, ऑलमोस्ट सारी रनिंग में, कल तो बहुत सारी बंद भी थी, आज हवा भी चल रही है इस वजह से देख रहे हो। सो गाइज हम अभी हैं इस समय राजस्थान के एक हाईवे पे देख रहे हो, और भाई जो मौसम है ना वो शाम के समय ऐसा हो रहा है, गर्मी सी का मौसम हो रहा है, लेकिन बाहर बादल छाए हुए हैं आसमान में देख सकते हो, और एक पेट्रोल पंप है नयारा का भाई, नई नई चीज़ें देखने को मिलती है हाईवे पे निकलोगे ना अगर, और इस साइड में देखोगे तो आप खेत हैं सरसों के पीले पीले, देखो जूम करता हूँ, ये देखो ये सारी सरसों आई हुई है इधर, सरसों के खेत, और भाई बिल्कुल हाईवे है मेन रोड पर, और यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर, हाथ पैर सीधे कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अभी तकरीबन 400 500 या 600 किलोमीटर के आसपास होगी, 500 600 किलोमीटर के आसपास और राइड पड़ी हुई है, 200 किलोमीटर आ गए हैं, और ये भाई अपनी गाड़ी देख लो खड़ी है भाई, पोज दे रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करा रहे हैं गाड़ी को, और उसके बाद फिर थोड़ी कूल डाउन हो जाएगी गाड़ी, फिर निकलेंगे क्योंकि 200-250 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी देखा जाए तो इस तरीके से, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और देन उसके बाद निकलते हैं अपनी ब्लैक बीस्ट को लेकर। सो भाई जी अभी हमने डीजल डलवाया तकरीबन 45 लीटर 4,263 रुपये का डीजल आ गया है, ये तीसरी बार फिल हुआ है इस जर्नी में, और गाय पूरी गंदी हो गई है गाड़ी देख रहे हो, और भाई राजस्थान में ना बहुत सारे कीट पतंगे ऐसे उड़ते हैं, उसकी वजह से ना मैंने ये आइटम ले रखा है, क्योंकि वाइपर से ज़्यादा साफ़ नहीं हो पा रहे, तो भाई इसको थोड़ा फिरा देते हैं, थोड़ी विंडशील्ड साफ़ हो जाएगी अपनी, वाइपर बाद में करो, पहले इससे नीचे उतर जाए ना सारा पानी के साथ नीचे चला जाएगा, लो तो गाइस वैसे तो गंदी हो रही है गाड़ी, बट लाइट और विंडशील्ड हमने साफ कर लिया, बचा हुआ काम भाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एकदम विंडशील्ड अपना क्लियर चकाचक, तो भाई काम हो रहा है थोड़ी देर में, और यहाँ से तकरीबन अपनी जर्नी रह गई है अभी है 5-7 घंटे की, 5-7 घंटे, रात को 3-4 बजे करीब हम पहुँचेंगे दिल्ली, अरे देखो मेहनत अभी ऊपर चढ़े थे वहाँ से नहीं हमें नीचे उतर गए क्या हुआ इस पर थोड़ा हुआ हुआ वाइपर चला लेते हैं भाई साहब, वाइपर चला के इसे थोड़ा साफ कर लेंगे, आ जाओ बैठो अंदर बैठ के तो चलाऊंगा तो छीटे आएंगे घर अंदर, उसमें बंद करो गेट, और देखो खाली वाइपर से हम साफ कर रहे हैं अभी, ओ भाई एकदम क्लियर हो गया, बाकी कचरा काम भाई कर लेंगे, कि भाई चीज़ बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, इन्हें रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइप डोर मतलब विंडशील्ड साफ करने के लिए कोई है नहीं पेट्रोल पंप पे, तो भाई अपना भी करना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत जो गंदगी वो साफ हो जाए, चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे अपने ट्रिप पे चल रहा है, नहीं पीछे ठीक है आ जाओ पीछे ठीक है, तो दोबारा से आप अभी तो गाइस दोबारा देख लेते हैं अपनी कितनी इसमें रेंज आ गई है, तो अपनी जो रेंज आ गई है वो आ गई है इसमें 641 किलोमीटर, इसमें हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, सो चलते हैं गाइस लेट्स गो। I'm
गाइस तकरीबन 4 घंटे ड्राइव करने के बाद अब हम रुके हैं राजस्थान में टोंक में। और भाई टोंक में रुके हुए हैं, यहाँ पे गाड़ी लगाई हमने और ये एक ढाबा है देव नारायण रेस्टोरेंट, यहाँ पे अपना डिनर कर ले रहे हैं क्योंकि रात के बज गए भाई 9 और घर पहुँचते हुए 2-3 बज जाएंगे, तो सोचते हैं कि पहले हम खा पी लें और उसके बाद फिर आगे की ड्राइव करें। तो यहाँ पे अपना लंच डिनर कर ले रहे हैं, देन उसके बाद आगे की ड्राइव शुरू करते हैं आगे की जर्नी। सो गाइज अपना लंच अपना डिनर हो गया है और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। और देखो यहाँ पे अपना अपना डिनर किया है और ये बिल्कुल हाईवे के सामने ही है। और भाई यहाँ से अब हम गाड़ी अपनी निकाल रहे हैं, ड्राइवर हो गया चेंज, भाई आ गए ड्राइविंग सीट पे और गाड़ी एक बार पैक करवा लेते हैं क्योंकि भाई हाईवे तो होगा कितना दूर है, बस ये हाईवे है और यहाँ पार्क है तो इसलिए अब गाड़ी पहले पैक करवा लेता हूँ, सही से गाड़ी पैक करवाते हैं फिर गाड़ी बैठते हैं और फिर चलते हैं आगे की जर्नी दिखाता हूँ आपको। सो गाइज अब बारी है चलने की और भाई चला रहे हैं, तुम्हारा भाई आ गया नॉन ड्राइविंग सीट पे। सो गाइज लेट्स गो, जय महाकाल और जय माता दी। सो गाइज अब पहुंच चुके हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के टोल पे और यहां से रह जाता है ये सफर तकरीबन 275 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का ये है और आगे 75 किलोमीटर। और देखो भाई ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सो गाइज ये देखो ऊपर लिखा हुआ ना, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ये। और अब यहाँ से टोल देंगे उसके बाद सीधा पहुँच जाएंगे अपना हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे। गाइज एक होता है हाईवे और यह है एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे यानी का फास्ट, और हाईवे जो होता है उस पर स्पीड लिमिट होती है, इस पर भी स्पीड लिमिट सेट नहीं की गई है लेकिन एक्सप्रेसवे तो ज़्यादा ही होगी तो अभी आई नहीं है, अभी देखें कब आएगी, कब तक इस पर सेट कर देंगे क्योंकि मेरा दूसरी या चौथी बार है इस पर विजिट है देखा जाए तो। सो गाइज वेलकम टू द दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे, देख लो गाइज इसके भी नज़ारे लो आप। अब यहाँ पे है, अब देख सकते हो आप, अब यहाँ से अब सीधा चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर। यह है इसका एंट्री पॉइंट और एग्जिट आता है सीधा नू के पास, 228 किलोमीटर इस पर चलना है भाई अब हमें। और आगे डिवाइडर लगे हुए हैं देख सकते हो, बीच में से निकालो। Continue on National Expressway 4 for 228 kilometers. सुन लिया गाइस, ये कहीं कहीं टूट भी रहा है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ इस पर हो ही रहा है जिस वजह से ऐसा लगता है कि भाई देखो यहाँ से दिल्ली पड़ती है 278 और हमें रहना है इस पर 228 किलोमीटर के तक करीब। और गाइस अब इसके बाद हो जाएगी लाइट बंद हाईवे की और ये आगे भाई अपना 1 2 3 4 5 6 लेन का, 6 लेन का हाईवे भाई ये, एंजॉय। तो गाइज देखना बीच बीच में डिवाइडर लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने और थोड़ा ध्यान से इधर सब लास्ट वाली लाइन खुली हुई है बस, भाई जब ये बना नहीं है तो ये अधूरा खोल क्यों दिया है और इस पर स्पीड रखी है 120 तो भाई यहाँ बंदों का मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा, देख रहे हो बीच बीच में स्ट्रिप टूटी पड़ी है और एक लाइन खोल रखी है 6 लाइन में से, देख रहे हो भाई ये हाल है। भाई क्या करना चाहते हो, या तो इसे बंद कर लो, बना ही लो ढंग से, कच्चा ही खोल दिया और बंदे भाई इसमें आएंगे नहीं तो क्या होगा, समझ रहे हो क्या कर रही भाई गवर्नमेंट का, समझ नहीं आता भाई। सो गाइज वेलकम टू द पॉल्यूशन अगेन, भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से चढ़ गए हैं और यहाँ से 150 किलोमीटर रह जाती है दिल्ली और पॉल्यूशन ने पहले स्वागत कर दिया, जितनी साफ सांस ले रहे थे हम उज्जैन और एमपी में वो सब खत्म हो गई है और दोबारा से पॉल्यूशन में आ गए। राजस्थान में भी ठीक था, इससे मतलब 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो पहला पेज था वो सही था, इसके बाद पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है भाई क्या करें। तो गाइज एक यहाँ पे छोटा सा स्टे लेते हैं, मतलब छोटा सा हॉल्ट लेते हैं स्टे तो नहीं, और उसके बाद फिर सीधा निकल जाएंगे घर की तरफ, यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। और गाइस थोड़ा सा और रास्ता रह गया, मतलब तकरीबन ये 100 किलोमीटर के आसपास और रह गया, कुछ और करना है और उसके लिए तकरीबन 2 घंटे का सफ़र और लगेगा, तो अभी थोड़ा चाय वाय पी लेते, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और फिर आए कि जर्नी शुरू करते हैं। ये पहले से पैच खराब है पता,
हम जो आए थे तब भी यार यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट था, और अभी भी देखो क्या हाल है, अभी भी अभी तक नहीं हुआ वाला पेस्ट ठीक है, तब भी ऐसे था, अब भी ऐसे, 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। तो गाइस पहुंच चुके हैं, इसका मतलब सेकंड लास्ट टोल है, इससे बस यहाँ से 13 किलोमीटर और रह जाता भाई, और तकरीबन हम इस पे 200 में से यानी 187 इस पे कवर कर चुके हैं। और भाई हम इस पे चढ़े थे तकरीबन 10 बजे, हाँ 10 बजे के आसपास चढ़े थे, और इस समय 2:30 बज गया, देख लो 1:45 हो गया। तो भाई यहाँ पे है ये टोल, अभी थोड़ा पोल्यूशन है ना, तो इससे भाई थोड़ा क्लियर नहीं है, यहाँ देखना कांच पड़ा हुआ है, नहीं तो जब ये क्लियर होता है ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है वाला टोल प्लाजा। और इसके रेट देखो, इसके रेट देखो भाई, एसयूवी कार के कितने, कार के हैं सिंगल लेन की तरफ से 95 रुपए का है, 95 रुपीज का है भाई ये, एक बार चेक कर लो। अब एक बार टोल में पहले से 140 रुपए, अगर राउंड ट्रिप मार दोगे एक दिन में तो 140 है, अगर एक तरफ से जाओगे तो 95 है, तो वही है भाई। और ये टोल है देख रहे हो, इसका एक साइड ये है, एक साइड उधर है, तो उस साइड से भी ऐसे दिखते हैं, इस साइड से दिख रहा है ना, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं और फिर इसको क्रॉस कर लेंगे। तो भाई इसको भी क्रॉस करते हैं, हमने अपना फास्ट टैग चेक किया, उसमें बैलेंस है, तो यानी अब इसको क्रॉस करने का टाइम है भाई, और लेट्स गो गाइस। ये आ गया अपना, अपनी लाइन ये वाली है, और आराम से अब टाइम है इसको मतलब क्रॉस करने के बाद, फिर 10 किलोमीटर रह जाएगा, 10 से 11 किलोमीटर और रह जाएगा, देन फिर अपना सीधा हम आ जाएंगे गुड़गांव, सोना गुड़गांव की तरफ। सो गाइस फाइनली एंड हो गया है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, देख लो थैंक्स फॉर विजिट अगेन लिखा आ गया है, और मेरा यह सेकंड विजिट था इस हाईवे पे, कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें बेकार थी, बेकार ये थी कि जो पैचेस पहले भी खराब थे 3 महीने पहले, वो अभी भी खराब हैं, उनको इन्होंने रिप्लेस नहीं किया ढंग से, और बहुत सी जगह पे मतलब बहुत सारी चीज़ें खराब थी स्टार्टिंग के पॉइंट में, तो वो चीज़ें इन्हें सुधारनी चाहिए। अब फाइनली ये वाला एक्सप्रेस वे 200 किलोमीटर का ये ख़त्म हो चुका है, और अब हम पहुंच जाएंगे आगे जाके सीधा सोना गुड़गांव वाले हाईवे पे, और फिर हम घर को घर पहुंचने मुश्किल से 1 घंटे का टाइम और लगेगा गाइस। सो आप मुझे बता देना कमेंट में कैसी लग रही है आपको ये वाली जर्नी। गाइस इस समय बज रहे हैं रात के 2:11, और जाम देखो गुड़गांव में, मैं इस समय गुड़गांव और दिल्ली की एंट्री पे खड़ा हूँ, और भाई ट्रैफिक अभी भी ऐसा है जैसे कि मैं 8-9 बजे फंसा हूँ। देखो टाइम देख रहे हो आप यहाँ पे कितने बज रहे हैं, ये देखो 2:11 हो रहे हैं रात के, मतलब सुबह के 2:11 हो गए, और अभी भैया ये हाल है, कब सुधरेंगे ये लोग समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मुझे लगा भाई क्लियर मिलेगा घर पहुंच जाएंगे, लेकिन नए भी आराम नहीं है, अभी जाम से निकलेंगे फिर जाके सोएंगे घर पे भाई।